जय गुरुदेव स्वामी जन जन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। निश दिन निहारूं क्यों ना दर्शन देते, तुम हो दयाल सुधी सब की हो लेते। निश दिन निहारूं क्यों ना दर्शन देते, तुम हो दयाल सुधी सब की हो लेते। देते शरण स्वामी असरन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। देते शरण स्वामी असरन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। गुरु सखा स्वामी सब तुम ही हो हमारे, स्वामी आप एक है अनेको है तुम्हारे। गुरु सखा स्वामी सब तुम ही हो हमारे, स्वामी आप एक है अनेको है तुम्हारे। तुम ही हो सहारे हम निर्धन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। तुम ही हो सहारे हम निर्धन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। दाता दयाल काल जाल से छुड़ा लो, प्रेम पर तीत हमरे हृदय में बढ़ा दो। दाता दयाल काल जाल से छुड़ा लो, प्रेम पर तीत हमरे हृदय में बढ़ा दो। तुम ही हो सहारे हम दीनन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। तुम ही हो सहारे हम दीनन के, हम हैं भिखारी तेरे दर्शन के। अद्भुत स्वरूप स्वामी अपना दिखा दो, अपनी मधुर तान हमें भी सुना दो। अद्भुत स्वरूप स्वामी अपना दिखा दो, अपनी मधुर तान हमें भी सुना दो। सफल बना दो स्वामी नर्तन के, हम हैं भिखारी तेरे
दर्शन के। सफल बना दो स्वामी नर्तन के, हम है भिखारी तेरे दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के, हम है भिखारी तेरे दर्शन के। जय गुरुदेव स्वामी जन जन के, हम है भिखारी तेरे दर्शन के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे मैंने कहा, गुरु पर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो वो फल आपको नहीं मिला। गुरु पर पूरा भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए आपको, तो गुरु आपको फल देने लग जाए। चले गए गुरु महाराज, लेकिन अब भी समझो आपके अंग समय है, जिसको पकड़ते छोड़ते नहीं। चाहे चार जन्म लगे है ना, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरे जन्म में नाम, तीसरे जन्म में मुक्त, चौथे में निधान, चाहे चार जन्म लगे, लेकिन पार करा करके ही सब छोड़ते हैं। तो अब आपके समझो प्रेमी, कि कहा कि हमारे गुरु जी आपकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो कहा तो क्यों बुला ले गुरु जी को, तो बोले गुरु जी ऐसे नहीं आए, रात द्वारे साथ जाए, तीन बात को जाए, क्या माया, क्या मीठा, क्या मान। राजा के यहाँ लोग क्यों जाते थे, सारो लोग सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, राजा के बराबरी में बैठने को मिलेगा और अच्छा खाने को मिलेगा, और जब चलेंगे तब तो दाम दक्षिणा मिलेगा, इसीलिए जाते। तो जो संत होते हैं उनको तो इसकी कोई फिक्र नहीं रहती, जो भक्त होते हैं उनको इसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो जिसके भक्त रहते हैं, जैसे भक्त होते हैं, ऊपर ही छोड़ देते हैं, जाहे बिज रखे गुरु वही बिज रही, क्योंकि गुरु भक्ति वही कर पाता है जो गुरु का गुलाम होता है, और गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ रखता है वहाँ रहता है, जो कराता है वो करता है। तो जो गुरु का गुलाम बन जाता है वही गुरु भक्त होता है। तो महात्माओं को तो इसकी कोई फिक्र नहीं रहती है, और भक्तों को भी फिक्र नहीं रहनी चाहिए किस बात की, कि हमको मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, कि हमारी कोई बेइज्जती कर रहा है। मान सम्मान अगर मिले तो उसको भूल जाओ, ध्यान ही न रखो, पीछे देखो ही नहीं। अगर कोई ऐसा काम हो जाए तो पीछे देखो ही नहीं, कि जैसे अभिमान आवे अहंकार। एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तो ऐसी बड़ी तपस्या उनकी कि जो देवताओं के राजा हैं इंद्र घबरा गए, तो भेजा ताकत को, अपने गण को भेजा, कहा जा लोभ लालच में फंसा गए, वहीं पर फंस जाए, आगे न बढ़ पाऊं, यहां पहुंचने न पाऊं, नहीं तो मेरा सिंहासन चला जाएगा, वही राजा हो जाएगा, इतना मेहनत करना है। अब वो गया, गण खड़ा हुआ सामने और कहा आज मैं आपको कुछ देने आया हूं। ऋषि ने कहा हमको कुछ नहीं लेना है, आप हमको क्या दो, हमको कुछ नहीं लेना। कहा दुनिया की जो चीज कहो आप, हम आपको दे दें, धन ले लो, धन ले लो, रुपया पैसा जो जरूरत हो ले लो, हीरा मोती ले लो, आपको तो आपका शादी ब्याह करा दें, सुंदर से सुंदर अपना लड़की से आपका जो चाहो वो करा दें। उसने कहा भैया सब कुछ तो त्याग दिया, आप तो हमको आप जो दे नहीं सकते हो वो चीज हम चाहते हैं, तो हम आप समझो मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, बहुत कुछ तुम दे दोगे, स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचा दोगे, तो पूरी छेड़े मृत्यु लोके वहां से भी हमको यहाँ आना पड़ेगा, तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं हम देखकर जाएंगे आपको। अरे भैया ले जाओ जो तुम्हारे पास है, हमको चाहिए ही नहीं। कहा जाओ मैं तुमको देख के जा रहा हूँ। क्या देख के जा रहे हो, क्या देख के जा रहे हो? अरे देख के जा रहा हूँ,
कि तुम मुर्दा को छू लोगे, मुर्दा को देख लोगे तो जिंदा हो जाएगा, और कह करके जाने लगा। तब कहा सुनो 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 सुनो, अब दे दो, अब बेटर दे दो, क्या दे दो, क्या मांगो मांगो, जो मांगने देने के लिए बोला घर तो मांगो मांगो, हम तो देने के लिए आए, यहां से नहीं आए, हम ऊपर से आए हैं, भेजे गए हैं, हम गण आए, हम देने के लिए आए, पूरी पावर लेकर के आए हैं, हमको भेजा गया पावर लेकर के कि जाओ तुम जो वो मांगे दुनिया की चीज तो दे दो। तो क्या चाहते हो बोल। तब कहा हमारा गार्डन पीछे न घूमे। गार्डन पीछे न घूमे, हाँ तो गार्डन पीछे क्यों न घूमे, ये क्यों मांग रहे हो। तब कहा अगर मेरी नजर पड़ जाए मुर्दा के ऊपर और वो जिंदा हो जाए तो उसको मैं देख न पाऊं, देखूंगा तो मुझे अहंकार हो जाएगा, इसलिए अगर मान लो सम्मान भी मिल जाए, काम ऐसा बन जाए इस शरीर से, इस मन से ऐसा काम बन जाए, जो धन अपने पास है उससे ऐसा कोई काम बन जाए, तो आप तो समझो कि उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए, वो तो गुरु की दया समझनी चाहिए, प्रभु की कृपा समझनी चाहिए कि उसने इस शरीर को इस लायक बनाया कि जिससे इस काम में परमार्थ के काम में हमारा शरीर लग गया, उसने हमको जो ये धन दिया, धन हमारा खर्चा हो गया, मन हमारा निर्मल किया उस प्रभु ने गुरु ने कि जिससे हमारा मन लग गया इस अच्छे काम। और अगर निंदा कर रहे कोई, अगर बुराई कर रहे कोई, तो समझ लेना चाहिए कि निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना और निर्मल धोत सुभाए। कहते हैं कि निंदक को आंगन में रखना चाहिए, निंदक को साथ रखना चाहिए कि निंदा कर कर करके, निंदा कर कर करके जो भी जान अनजान में बुरे कर्म बन गए हैं उन कर्मों को वो चाट ले ले, वो बांट ले। तो कहते हैं निंदक को सामने रखना चाहिए, तो निंदा बुराई करने वाले से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्मों को ये काट रहा है, हमारा लेना देना आना हो रहा है। तभी तो कहा गया कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई, मेहंदी जैसे पात में लाली रही दुबकोए, भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि कोई देख ना पावे। किसकी भक्ति करनी की जाती है, गुरु की भक्ति सबसे पहले की जाती है, गुरु जो नाम राम देते हैं, गुरु जो रास्ता बताते हैं उसके लिए सुमिरन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, भजन किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, चौराहे पर बैठ करके सबके सामने आँख खोल करके माला जपा जाता है, छिपा करके ऊपर से कपड़ा डाल करके एकांत खोज करके तब किया जाता है, शांत प्रिय जगह पर तब किया जाता है। तो भक्ति कुछ भी करनी हो तो जैसे मेहंदी का पत्ता होता है, अब इधर मेहंदी बरसात हुई है तो वो पत्ता मेहंदी का पेड़ निकालेगा, तो ये देवियां ये बच्चियां लाती हैं उसको पत्ती को, तो उसमें लाली दिखाई पड़ती है नहीं, जब उसको बटती हैं पीसती हैं और उसको लगाती हैं हाथ के ऊपर बदन पर लगाती हैं, तब वो लाली ऐसी होती है कि समझो कि बहुत दिन तक बनी रहती है, खत्म जल्दी नहीं होती है, तो जैसे ऐसे मजबूत चटक जिसको कहा गया चटक रंग, जैसे अंदर में गुरु का रंग जब चढ़ जाता है तब वो नहीं उतरता है, ऐसे ये बाहर से जो मेहंदी लगाते हैं चटक रंग जिसको कहते हैं, वो मेहंदी का ऐसा होता है कि अब तो नहीं छूटता है, महीना भर ऐसे कैसे बना रहता है। जैसे मेहंदी लाली को दुख है, ऐसे भक्ति को अंदर में इकट्ठा करना चाहिए, भक्ति की ताकत इकट्ठा करना चाहिए। तो जो भी महात्मा बने, सब लोगों ने गुरु किया और गुरु भक्ति किया, गुरु के आदेश का पालन किया, तो जब गुरु के आदेश का पालन करने लग गए राजा के नौकर के वो गुरु, तब गुरु खुश होकर के उनको आदेश दे दिए अब तुम जीवों का काम करो, और पावर दे दिया, खजाना दे दिया अंदर से, तो उनको कोई लोभ लालच नहीं रह गया, उनके लिए तो जो इच्छा की मन माही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की जरूरत पड़ती, कल जरूरत है तो वो चीज आज हाजिर हो जाती थी, वो तो ड्यूटी लगा दी जाती है उसकी, चीनी लोगों की सिद्धि की अड़वा गड़वा महिमा लगवा ये जो सिद्धियां है इनकी ड्यूटी लग जाती है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भगत को हमारे। तो शरीर को कष्ट अगर होता भी है तो कर्म के अनुसार होता है, चाहे उससे कोई कर्म बन जाए,
का कर्म ले ले, दूसरे का कर्म आ जाए। तो मैं आपको बता रहा था प्रेम कि नौकर ने राजा से कहा, आओ आएंगे नहीं, आए सुनेंगे। अरे बोले कोशिश तो कर। कहा आएंगे नहीं सरकार, जाते नहीं कहीं, बहुत लोग कहते हैं लेकिन जाते नहीं किसी के यहाँ, कहीं भी नहीं जाते हूँ, तो अपना वजन भाव में लगे रहते हैं। बुलाते हैं लोगों कि 15 दिन चले आए, पर महीने में एक बार चले आए, हम लोग जाते हैं सीखते हैं गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, सेवक का धर्म क्या होता है, ये सब उन्होंने ही सिखाया है। और उन्होंने ही बन कर दिया छोटी सी नौकरी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी दया से ही आप हमको धार्मिक राजा मिले हो कि यहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, सुकून है, शांति है, भगवान से हमको मिलने का, भजन करने का समय भी मिल जा रहा है, ये उन्हीं की दया। तो हम लोग जाते हैं, राजा कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो 4 दिन जब फिर भी था तो राजा के मन में यही बात बराबर गूंज रही थी, भाई समय निकला चला जा रहा है, जीवन का काम नहीं हो पा रहा है, तो करें तो क्या करें। अब फिर एक दिन नौकर से कहा, तेरे गुरु हमारी समस्या का सुलझा सकते हैं, तकलीफ दूर कर सकते हैं। उसने कहा, सरकार पूरा विश्वास, मैंने तो देखा जितने भी लोग उनके पास गए कोई खाली नहीं लौटा, जिसका जैसा भाव जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसको सबको फल दिया हमारे गुरु ने। तो कांटो तो ले आया दोबार। अब राजा किस चक्कर में था, उसके कहने पर क्यों नहीं जा रहा था। उसने कहा, सरकार आप चले चलो, कैसे भी चले चलो, वेश बदल के चले चलो, ऐसे चले चलो, आप चलो हमारे साथ, हम मिलवाएंगे आपको, समय दिलाएंगे। तो राजा इसे सम्मान मान के चक्कर में नहीं गए, कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया कान है, और मान बढ़ाई शार्दुल न तजना दे। कहते हैं ना कि मान सम्मान को ताट पर रखना, मान सम्मान को तजना, ये आदमी के लिए बड़ा कठिन होता है। औरत का प्रेम ठुकरा देता है, औरत को छोड़ देता है, रुपया पैसा को छोड़ देता है, अनाज पाट छोड़ करके चला जाता है, लेकिन सम्मान को इज्जत को आदमी नहीं छोड़ पाता है। तो राजा के ऊपर सम्मान का भूत सवार था, और सम्मान का भूत जब तक रहता है तब तक आदमी छोटा बन नहीं पाता है, और छोटा बन नहीं पाता है तो उसको कुछ मिल नहीं पाता है। मोटी बात समझो कि जैसे घड़े के ऊपर कटोरी रखी हुई है, तो पानी से भरे हुए घड़े से कटोरी कहे कि आप हमको पानी दे दो, तो घड़ा पानी देगा? अरे सिर पर जब कटोरी सवार रहेगी तो पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब कटोरी को ऊपर से उतार करके नीचे रख दो तो घड़ा पानी भर देगा, कटोरी में पूरा भर जाएगा। ऐसे छोटा तो बनना पड़ता है, और जो छोटा बनता है उसी को मिलता है। आज तक जो छोटा बना उसी को मिला, लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु, चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक हो। देखो प्रेम, अभी वैशाख जेठ का महीना था, तो ये जो बड़ी बड़ी घास थी ये सब जल गई, लेकिन जो डूब घास है जमीन में रहती है, जमीन से चिपकी हुई रहती है, वो तो कभी भी नहीं जलती है। कौन नानक नन्हे हो रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी डूब होती खूब। क्या उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि किसी तरह से आपके समझ में आ तो जाए, और नहीं तो यहाँ अगर मान लो समझ में आ गया तो जब लौट करके जाओगे और किसी को इन बातों को बताओगे तो वो तो कहेगा या मनगढ़ंत बात बाबा कह रहे हैं, ये चीज कहीं लिखी हुई नहीं मिलती है। और जब उदाहरण देकर के समझा दोगे, वहां लिखा है, इन्होंने कहा, उन्होंने बताया, तब उसको भी विश्वास हो जाए। इसलिए उदाहरण देकर सब समझा रहा हूं। तो राजा सोच विचार में रहा, जाए ना महात्मा के पास। एक दिन बहुत दुखी था, तब फिर नौकर ने कहा, सरकार चले चलो। बोले कि अब जा तो नहीं सकता, लेकिन तू मेरी तरफ से जाकर के कहना कि राजा साहब ने आपको बुलाया है, एक बार आपके लिए आओ राजा के कहने पर। तब नौकर ने कहा कि आप चिट्ठी लिख दो। तो जब चिट्ठी लिखा तो कान पापी हटाए पिघलता आंखों से निकल आया
इन आंसुओं की माला मतलब भेंट है हमारी। तो वो जब लिखने लगे तो अपनी कथा को उसी तरह से लिखते चले गए, अपनी तकलीफ जो उनमें थी वो उसी तरह लिखते चले गए। तरह की बात उसमें आ गई, मन में जो बात थी वो उसमें चिट्ठी में आ गई। अब वो नौकर जब गया राजा का, तो गुरु को प्रणाम किया और कहा हमारे राजा साहब, हमारे मालिक जहाँ हम नौकरी करते हैं, उन्होंने आपके लिए चिट्ठी दिया है। चिट्ठी पढ़े तो कहते हैं, संत ने देखे चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल उन्होंने परख लिया कि इसके अंदर प्रेम का बीज पैदा हो गया है और तौत के साथ इसने चिट्ठी लिखा है। ये जीव ऐसा है कि इसको अगर कुछ किया जाएगा, दिया जाएगा, तो यह संभाल सकेगा, रख सकेगा। इसका अंदर का बर्तन साफ हो रहा है, थोड़ा बहुत उपाय बता दिया जाएगा और सफाई हो जाएगी। तो इसमें कोई भी चीज रख दिया जाएगा, नाम रूपी मड़ी रख दिया जाएगा, तो खराब नहीं हो। दून आप लोग गर्म करती हो बर्तन, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसकी सफाई करती हो, और अगर सफाई न करो या दही बनाओ उसका, और दही वाले बर्तन की खूब सफाई न करो और उसमें दूध रख दो, तो दूध खराब हो जाएगा कि नहीं, दूध का रूप नहीं रह जाएगा। ऐसे बर्तन जब साफ हो जाए, उसमें कोई चीज रखो, तो उसकी जो असलियत होती है वो रिनॉल्टी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, खत्म नहीं होती। तो महात्मा समझ गए कि अब अगर इसको अच्छा करेगा और दे दिया जाएगा तो यह संभालेगा और करेगा। चल पड़े पहुंचे, उस दिन गुरु जी को भी उन्होंने बुला रखा था, उम्मीद बन गई थी राजा, क्योंकि जीवात्मा का तार जुड़ जाता है वहां से। देखो रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमको बहुत याद आई आपकी, तब हम चले आए। अरे बोले क्या बताओ तुमको, अरे बिरहिन जाने बिरहिन की, अरे समझो तकलीफ जाने भाषा जाने समझे, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए निकल था, मुझे भी बहुत याद आ रही थी। तो ये जीवात्मा कहाँ की है, परमात्मा की अंश है, ये तार वहीं से जुड़ा हुआ है, ऐसे तार जुड़ जाता है वहां। तो समझ गए, तो राजा को भी उम्मीद थी कि महात्मा अब आ जाएंगे, बुला रखा था पंडित जी को वहीं, या महात्मा जी पहुंचे तो कहा राजा से, राजन सवाल करो, जवाब लो, क्या तकलीफ है आपको, अपनी तकलीफ बताओ। तो उन्होंने सारी बात बताया, सब कुछ बताया, और कहा हमको पूरी उम्मीद थी कि ये हमारे कुल गुरु हैं, ये हमारे बहुत पुराने पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, हमारे दादाजी के समय के हैं, पिताजी भी इनके एक तरह से मानने वाले रहे हैं, इनको मानने वाले रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भागवत सुन, इससे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, इससे तुम बंधन मुक्त हो जाओगे, ये जो बंधन में बंधे हुए हो, इन बंधनों की तुम व्याख्या कर रहे हो, प्रेमियों जो ये बंधन समझो कि आपको बताए गए, बाहर के बंधन, अंदर में जो बंधन जकड़ है, चारों शरीर ये जो है वो जो बंधन में जीवात्मा बंध है, और ये जो रास्ते में रुकावटें हैं, ये जो बंधन है, ये सब बंधन है। तो राजा उन्हीं बंधनों को काटना चाहता था, जिसकी जानकारी सुनने से उसको हुई थी, किताबों में पढ़ने से हुई थी, लेकिन उपाय कोई नहीं जानता था, जो उसको बता दे राजा को तो देखा रहता था। तो उन्होंने कहा कि राजा ने बताया महात्मा से, इन्होंने गुरु जी ने कहा कि भागवत सुन तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, राजा परीक्षित की भी हुई थी। तब कहा राजन, किताबों से ही अगर सब कुछ मिलने को होता तो स्कूल क्यों खोले जाते हैं, मास्टर की क्या जरूरत थी, किताबें रख दी जाती जगह जगह, किताबें तो वो जड़ है, वो तो मुक्ति मोक्ष दे नहीं सकती, उनको सुनने से क्या होता है, ज्ञान होता है, और वो ज्ञान जो इनको था वो उस ज्ञान को उन्होंने कराया जो स्वयं बंधन में है, तो कैसे बंधन से मुक्त कर सकते। तो राजा ने कहा समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। तो वहीं पर राजा से कहा महात्मा ने कि अब आप दो रस्सा मंगाओ, दो रस्सा आ गए, से कह दिया राजा रस्सा आ गया। तो राजा से कहा महात्मा ने कि आप एक मिनट के लिए, ने फिर कहा राजा से कि आप हमारा कहना मानोगे, तो मानेंगे,
एक मिनट का अधिकार दे दोगे? हाँ दे देंगे आपको एक मिनट का अधिकार। सोचा तो राजा ने कि कहीं राजा ही ना मांग पड़े, राजगद्दी ही ना ले लें। फिर उन्होंने कहा राजगद्दी ही तो ले लेंगे, मुक्ति मोक्ष तो मिल जाएगा। बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज को तो कुर्बान, छोटी चीज की कुर्बानी करनी पड़ती है, छोटी चीज देना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब तो बड़ी चीज मिलती है। तो कोई बात नहीं, अगर परम पद मिल गया, अगर वहां का राज मिल गया तो ये राज तो कुछ नहीं है, जैसा सुना हूं किताबों में लिखा है, देखा तो था। राजा ने सोचा जब दिखा देंगे विश्वास हो जाएगा तब तो दिया जाएगा राज, राज ही तो मांगेंगे और क्या होगा। कहा दे दिया अधिकार, राजा ने महात्मा को कहा दे दिया एक मिनट के अधिकार, एक मिनट का अधिकार आपको दे दिया। तो राजा से कहा पंडित जी को बांध दो आप। मान दिया फटाफट, और लोग लग गए बनवाने में, उनको हाथ पैर बांध दिया और फिर अधिकार को दे दिया था राजा ने महात्मा जी को। और नौकर से कहा राजा को बांध दो रस्से, और राजा भी बन गया, हाथ पैर बन गया। सोचने तो लगे कि लंगोटी बांध करके जेल में डालेगा ये बाबा, ये देखने में ही खाली लंगोटी लगाए हुए है, बाकी लोग भी है। लेकिन सोचे देखते जाओ, प्रभु की जो मर्जी होगी वो होगा, उसी पे डालू। और जब दोनों बन गए तो पंडित जी से कहा पंडित जी राजा जी राजा को खोल लो। अरे बोले हम कैसे खोल सकते हैं, हमारे हाथ पैर बनवा दिया आपको, हम राजा को कैसे खोल सकते। तो राजा ने राजा से फिर महात्मा ने कहा फिर राजन आप तो पावर में हो, आप ही खोल रहे इनको। अरे बोले यहाँ कहाँ पावर चलने वाला, आप हमको आदेश दे रहे हो खोलने के लिए, हम आदेश देंगे तो वो कोई खोलेगा, उसको मानोगे नहीं, और हम खुद बंधे पड़े हैं, हम कैसे पंडित जी को खोल सकते हैं। तब महात्मा ने कहा बंधे को बंधा मिले, यही भी छूटे हो जाए, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अब आपको ऐसे को खोजना पड़ेगा, ऐसे की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे की बात माननी पड़ेगी जो निर्बंध है, बंधन से मुक्त है, वो जब आपको मिलेगा तो बंधन से मुक्त कराएगा। राजा के समझ में आ गया, चरणों पर गिर पड़े, बोले अब पूरी उम्मीद हमें हो गई कि आप हमारा बंधन मुक्त करा दोगे, अब हमको उपाय बताओ। तो ये जो जकड़ है बंधे हुए, इससे मुक्ति कहां मिलेगी जब कोई निर्बंध मिलेगा? तो निर्बंध कौन होते हैं, इंसान होते हैं। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अभियान चला दो यहां से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहां से जो प्रसाद ले जाओ वहां कोई भी आप चीज खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज मिलता हो मीठी चीज उसी में मिला लो। हम कह दें आप रेवड़ी खरीद लो, कह दें आप चिरौंजी खरीद लो, कह दें बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज जहाँ पर हो किसी भी मीठी चीज में आप इसको मिला देना, दो डालना और बांट देना, कुछ भी ना मिले पानी ले लो और पानी में ही दो दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में, तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि
बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।